मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जहां रात को सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर घेराव किया, वहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी नेता पर हमला करने का भी आरोप लगाए हैं। ये आरोप खुद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने लगाए हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जबरन रोका, गाली गलौज की और इस दौरान मोहित कंबोज की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश भी की गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब कलानगर जनपद की रेड लाइट पर मोहित कंबोज की गाड़ी रुक गई थी और शिव सैनिकों का हल्ला सुनकर मुंबई पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे तो मोहित को वहां से निकाला गया। इस हमले के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रताप लोढ़ा और विधायक आशीष सलार फौरन मोहित कंबोज के घर पहुंचे। मोहित की तरफ से इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को भी की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।